क्रिएटिव यामिनी, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक व्लॉग। यू कैन सी कि आई एम अ बियर फेस और बैकग्राउंड आप देख सकते हो, यू कैन सी मेरा बैकग्राउंड कितना ज़्यादा मैस हो रहा है। सो यस, आज हम इस मैस को क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे और यू कैन सी कि मेरी फेस थोड़ा सा ग्लोई लग रहा है बिकॉज कि मैंने आपके लोगों के संग शेयर किया था एक DIY फेस सीरम जो कि टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है, लाइक मेरी एज के हैं या मुझसे कम के हैं वो बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत परफेक्ट वाला बना है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट वाला बना है। आप स्किन देख सकते हो, ये बेसिकली हमारे एक्ने स्किन है, जिनको बहुत ज़्यादा डल स्किन है उनके लिए। सो हम आज करेंगे व्लॉगिंग और ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ 25 मई, 25 मई को मैं इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। आई थिंक मेरे बर्थडे के बाद ये व्लॉग है, उसके पहले मैंने ट्राई किया था व्लॉगिंग का बट सम रीज़न मैंने उसको नहीं अपलोड किया और एडिट। हम थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा फेस सीरम शेयर किया है। यू कैन सी कुछ इस तरीके का फेस सीरम मैंने बनाया है। ये वैसे एक बॉटल थी जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ये था नाइट सीरम स्किन लॉक्सी करके कुछ ब्रांड था, आई थिंक रिचफिल ब्रांड का था ये, मुझे बहुत अच्छे से याद है, रिचफिल का नाइट सीरम था ये, बहुत अच्छा वाला सीरम था। बट नाउ ये फिनिश हो चुका है और मैंने इसको रीऑर्डर नहीं किया, बट इसमें अभी है एक DIY फेस सीरम जो कि मैंने बनाया है और वो बहुत अच्छा बना है। मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मैं जब इसे यूज करती हूँ ना तो मैं डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स को मिलाती हूँ, उसी टाइम पे इंस्टेंटली मिलाती हूँ और अपने फेस पे अप्लाई करके 30 सेकेंड्स तक के लिए छोड़ देती हूँ। बट नाउ आप इसको, ये जो बना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो पूरा दिन, क्योंकि अभी मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे आधे घंटा हो चुका है इसे यूज़ किए हुए। यू कैन सी कि मेरे स्किन पे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है, स्टिकीनेस नहीं लग रहा है। ये वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा क्योंकि मैं ये जो व्लॉग है वो 25 मई को दिन के 3 बजे शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैस है ना, सी दिस इज़ अ मैस और ये सब हम करेंगे ऑर्गेनाइज। ये अभी मैंने DIY किया है और ये सारी चीज़ें यहीं पर रखी हुई है, आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को डेकोरेट किया था ताकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा लगे जब मैं इसको DIY करूँ। ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, क्लॉथिंग इस तरीके से पड़ी हुई है आप देख सकते हो, एंगर के साथ पड़ी हुई, इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात है ना। सो मैंने एक नेक पीस जो है DIY किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा किया है। और लास्ट जब मैंने अपना रूम क्लीन किया था तो मैंने एक बॉक्स में, पूरे एक बॉक्स में अपने मोती वगैरह जो भी रहता है ज्वेलरी से रिलेटेड वो एक ही बॉक्स में कर दिया था, ताकि मुझे कोई सडनली आइडिया आता है कि मुझे ये वाला ज्वेलरी पीस बनाना है तो एक ही बॉक्स में काम हो जाए। अदरवाइज़ मैंने पहले 3 बॉक्सेस में रखा था और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मैं नहीं बना पा रही थी, आलस आ जाता है। सो अभी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा ठीक करेंगे और नाउ दिस इज़ माय वैनिटी, कैन सी इस तरीके से अभी मेरी वैनिटी हो रही है। और मैं आपको बता दूँ पीस मैं बनाया है जिसपे मैंने 2 ऑफ लेयर्स दी हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे 2 लेयर्स है, जो ये वाली जो लेयर है मैंने बड़े मोती डाले हैं इसमें ब्लैक कलर के, ये वाले छोटे मोती हैं। ये मैंने मोती खरीदे नहीं थे, ये जो हमारे ब्लैक कलर के ब्रेसलेट्स आते हैं ना उसके संग मैंने, मतलब वो टूट गए थे तो मैंने इसे बनाया, यू कैन सी। अगर आप वाइट कलर की या सिल्वर कलर की साड़ी पहनते हो उसके संग ये बहुत अच्छे से जाने वाला है और थोड़े बहुत मोती और मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो मैं इसी के साथ पेयर अप करने के लिए एक इयररिंग भी बनाऊंगी जो कि बहुत अच्छे से पेयर अप हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से बन भी गया है, यू कैन सी। मैंने आई थिंक इसको 30 मिनट्स में बना लिया है, यस मैंने इसको 30 मिनट्स में बना लिया है। इनफैक्ट मैंने आपके संग शेयर की थी एक मेरी लिपस्टिक सीरीज़ जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दूसरे रीजंस हैं। ये फर्स्ट वाली जो शूट की थी ब्राउन लिपस्टिक वही रखी हुई है अभी तक, उसके बाद मैंने दूसरी वाली शूट करने का ट्राई किया था बट मेरे होंठ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं और मैं लिप बाम यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो अभी फ़िलहाल कर ले। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे रूम की क्लीनिंग, बट उसके पहले हम करेंगे हमारा वीडियो एडिटिंग बिकॉज कि 3 बज गया है, 5 बजे मुझे भी किया होगा कि मैं अपना जो मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है वो 12 बजे का रहता है, मैं 12 बजे अपना वीडियो डॉट जो है अपलोड कर देती हूँ। पहले मैंने जो चेंजेस किए थे वो 11 बजे से 2 बजे के थे, सेकंड जो वीडियो आती है मेरी वो 5 बजे से 6 बजे आती है, बट
मैं वीडियो के लिए इतना ज़्यादा लेट हो जाती थी कि मैं 6, 6:30, 7 बजे इस तरीके से अपलोड कर रही थी, और इतना टाइम तक मुझे शूट करना, इतना टाइम तक मुझे काम करना पसंद नहीं है बेसिकली। इसलिए मैंने अब टाइम सेट कर दिया जिसमें मैं बैकअप में वीडियो बना करके रखती हूँ। लाइक ये वाला व्लॉग भी एक बैकअप वीडियो है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लेट आने वाला है क्योंकि मैंने इसे शूट ही लेट किया है। बेसिकली मैंने मॉर्निंग में इसे शूट नहीं किया है, मैं 3 बजे से शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यही मेरा टाइम होता है वीडियो शूट करने का। 1 बजे से 4 बजे के बीच में वीडियो को शूट करने का, वीडियो को एडिट करने का, वीडियो को अपलोड करने का मैं अपलोड कर देती हूँ और उसे 5 बजे ही लाइव करती हूँ। तो अभी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अपनी वीडियो को एडिट करने का, अपलोड करने का, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी वैनिटी में भी चेंजेस करने हैं। सो वो सारे चेंजेस मैं करूँगी अपने मेकअप डीक्लटर में। बट मेकअप डीक्लटर करने के पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे फाउंडेशन ऐसे हैं जिनका शेड मेरे से बहुत ज़्यादा लाइट है। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाइट टोन वाला फाउंडेशन रहता है तो उसमें आप थोड़ा सा डार्क वाला मिला लो तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये एक हैक है, पसंद करती हूँ। तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम करते हैं हमारी वीडियो की एडिटिंग जो कि मैं अपने मोबाइल से ही करती हूँ, और उसके बाद हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे व्लॉग में मैं अपना रूम क्लीन करने वाली हूँ। आई नो आप लोगों को बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग भी प्रॉब्लम दिख रहा होगा। ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब का बैकग्राउंड है। मैं यहीं पर शूट करती थी, यहाँ पर आपको ऊपर एक फ्रेम दिख जाएगा जो कि मेरे बर्थडे पे आया था, बट अब मैंने फ़िलहाल चेंज कर दिया है कुछ रीजंस की वजह से। ज़्यादा कंफर्टेबल होता है नीचे वीडियो बनाने में, यहाँ पर कैमरा इतने अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, वो अनबैलेंस होता रहता है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल मैं करने वाली हूँ ये, अपने सारे कपड़ों को जमाने वाली हूँ, कुछ खाली एंगल्स रखे हुए हैं जो कि कुछ की वीडियो शूट हो चुकी है, कुछ की अब होगी। लाइक ये वाली जो साड़ी है, रेड साड़ी मेकअप लुक मैंने किया था, ये मेरी मॉम की साड़ी है, सो ये उनको मैं रिटर्न कर दूंगी। एक ये वाली है जो कि ओल्ड इज गोल्ड मेकअप जो चैलेंज आया था उसके लिए मैंने साड़ी को निकाला था, ये मेरी ही साड़ी है, पिंक कलर की है, प्योर पिंक कलर की है, और ये एक ओल्ड हीरोइन ही है, मतलब पुरानी हीरोइन ही है 1960 की, उन्होंने इस साड़ी को वेयर किया था तो मैंने उसके लिए लिया था। बट वो लुक बहुत ज़्यादा सिंपल था, इस वजह से मैंने इस साड़ी को नहीं वेयर किया, दूसरा कुछ वेयर किया था। एक साड़ी ये वाली है जो कि अगेन ये अब मैं इसका मेकअप शूट करने वाली हूँ तो ये बाहर ही रहेगी, बाकी की साड़ी मेरी पेटियों में जाएगी। आप लोगों को पता है मैंने अपने रूम टूर में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, मैंने मेरे रूम टूर में बताया था कि मेरे जो भी हैवी पेटी में रखती हूँ और वहीं उसी में सारे हैवी क्लोदिंग होती है, तो मेरी साड़ियाँ, मेरे लहंगे और मेरे हैवी ब्लाउजेज, दुपट्टा सब वहीं पर होते हैं। तो ये एक है साड़ी जो कि मैं अभी वेयर करने वाली हूँ। आई थिंक मैं ये वाला लुक कल शूट करूँगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा, महाराष्ट्र मेकअप लुक। अगेन ये 4 यूट्यूबर्स के संग में करने वाली हूँ चैलेंज। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लाउजेज हैं तो ब्लाउजेज अलग निकाल रही हूँ मैं, कि इतने सारे क्लॉथ्स हैं। अब इनको हम जो है थोड़ा सा ठीक करते हैं, छाइटीज़ है तो उनको हम अलग रखेंगे, वो मैं बताऊँगी कि मैं अपनी कबर्ड में कपड़े कैसे रखती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इनको थोड़ा सा। Bye.
अच्छी है लुक एट सी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई है। सो कुछ किताबें रखी हुई हैं तो हम उनको भी थोड़ा सा रख लेते हैं, और कुछ क्लॉथिंग बची हुई है इस साइड पर, उस क्लॉथिंग को मैं अपनी इधर जो पेटी है उसमें रख दूँगी। हैवी क्लॉथिंग है बेसिकली, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैस हो गया है, क्योंकि इस टाइम पे ईद की वजह से मैंने काफ़ी सारे कपड़े बाहर निकाले थे उसमें से, और साड़ियाँ भी वेयर की है तो ब्लाउजेज भी उसमें रखे हुए हैं, तो ब्लाउजेज़ भी मैं एक उसमें जमाने वाली हूँ। सो चलते हैं कंटिन्यू, क्योंकि आज ये पूरा रूम क्लीन करने के बाद ही ये ब्लॉग एंड होगा आज का, मतलब 25th of May का। 26th of May को देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ व्लॉग। सो यू नो कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था 25 मई को मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने 25 मई को कंटिन्यू नहीं किया उस व्लॉग को, और 26 मई को भी नहीं किया। आज 27 मई है और 27 मई को हम वापस इस व्लॉग को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा सेम ड्रेस ही है क्योंकि मैंने यही वाला पहन लिया था वापस से दूसरे दिन वॉश करा करके, और इतनी मेहनत के बाद हमें वापस यही रिज़ल्ट मिला है। मतलब आपने वो देखा था, मैंने सारा क्लीन कर दिया था, बट मैंने कहा था कि वो साड़ी मुझे वापस पहननी है, मैंने पहन ली है और सब इस तरीके से वापस कपड़े फैल चुके हैं, पूरा ही फैल चुका है। सी ये कुछ ज्वेलरी है जो कि मेरी मॉम की है, मैंने वीडियो में पहनी थी, मैंने क्रिएट किया था रिसेंटली महाराष्ट्र मेकअप लुक। वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छा मेकअप लुक टर्न आउट हुआ था। लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप रखा हुआ है क्योंकि मैंने वीडियो शूट किए थे, 2 मेकअप के वीडियो मैंने शूट किए हैं उस दिन के बाद से, और आई थिंक मैं एक और मेकअप शूट करने वाली हूँ आज। अभी फ़िलहाल चैलेंजेस वीडियोस चल रही है मेरे चैनल पे, प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फ़नी चैलेंजेस है। काफ़ी सारे फ़नी चैलेंजेस की रिक्वेस्ट और भी आई है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता उन चैलेंजेस को करने का। लाइक क्रैप गैंग टॉक करके कुछ था वो, जो कि मैंने सर्च किया, उसमें अपने हाथ पैर मुंह सभी बांधने होते हैं, तो उसे करने का क्या मतलब, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ करने से मतलब भी है, और मैं नहीं करूँगी वो वाले चैलेंजेस। हाँ कुछ चैलेंजेस की रिक्वेस्ट चाहिए तो मे बी इस ब्लॉग के पहले वो लाइव हो जाएंगे। लाइक गागा टॉक था एक, वो मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। दूसरा है गागा टॉक विद वाइट हैंकी, वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज ब्लाइंड फोल्ड नेल पेंट चैलेंज, तो मे बी वो मैं आज शूट करूँगी। एक चीज़ बोलनी थी कि मैं देख करके नेल पेंट सही से नहीं लगा पाती मैं नेल पेंट, मेरी निकल जाती है इधर उधर से बाहर, जब वो ड्राई हो जाती है ना तब मैं आसपास से उसको रिमूव कर देती हूँ, मैं नहीं लगा पाती नेल पेंट।
बता नहीं मैं कैसे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक आया था मेरे पास ग्रुप पास द लिपस्टिक चैलेंज, हो सकता है इस व्लॉग के बाद वो आए, क्योंकि हाँ इस व्लॉग के बाद ही वो आएगा, क्योंकि वो ग्रुप है तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ शेयर करनी होगी। मैंने भी अभी फ़िलहाल शूट नहीं किया है, आई थिंक 5-6 यूट्यूबर्स रहेंगे उस वीडियो में, और आप लोगों को मेरे ग्रुप चैलेंजेस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा विदाउट मेकअप शूट करो, मेकअप के शूट करो, फिर एडिटिंग करो और ये सारा मैस उठाओ, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो अभी ये जो चूड़ियाँ हैं और जो सेट है वो मेरी मॉम को मैं देने जा रही हूँ, ब्रश मैंने कर लिया है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनना बंद हो चुका है, अभी बंद हो चुका है, मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है। सो मिलते हैं जब भी कुछ स्पेशल, डे टाइम व्लॉगिंग। सो अभी बज रहे हैं डेढ़ बज रहा है, अब मैं अपनी वीडियो शूट करने जा रही हूँ। कल की डेट में मैंने अपना हेयर वॉश किया था, मैंने शैम्पू के लिए यूज़ किया था अर्ल्स गुडनेस का शैम्पू, यू कैन सी कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, और मैंने कोई भी DIY मास्क या नॉर्मल मास्क यूज़ नहीं किया, मैं मार्केट मास्क बिल्कुल यूज़ नहीं करती, DIY ही यूज़ करती हूँ, और बिना DIY के मुझे इतने शाइनी हेयर्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग है, थोड़ा सा अनमेसी से हो रहे हैं, ना कर्ल्स है ना स्ट्रेट है, क्योंकि मैं वॉश करने के बाद अपने बालों का जुड़ा बना लेती हूँ, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके के कर्ल्स और इस तरीके के अनटाइडी मुझे हेयर्स मिलते हैं। सो अब मैं शूट करने वाली हूँ एक वीडियो, वो वीडियो होने वाला है ब्लाइंड फोल्ड नेल पेंट चैलेंज। गाइस मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरे बाल और मेरे नाखूनों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, इस टाइम पर मैं अपने दोनों हैंड्स के नेल्स बढ़ा रही हूँ, टूटने ना चाहिए, बस ये यू कैन सी कि काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, ये पहले बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, ये वाले मैंने एक बार ऑलरेडी कट कर दिए हैं, और कुछ इतने नेल्स बढ़ चुके हैं, ये वाले बढ़ जाएंगे। मुझे नेल्स और अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे अपने बाल, मुझे लॉन्ग हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, यू कैन सी कि मैं अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा कम कटवाती हूँ, मतलब 6 महीने में एक बार, या कभी कभी हो जाता है कि मैं साल भर में एक बार, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब भी मैंने नहाया ही है जस्ट, और खाना खा करके अब मैं वीडियो शूट करूँगी 1:30 बजे, क्योंकि 1:30 बजे से 4 बजे तक का मेरा वीडियो शूट करने का टाइम होता है। सो उस वीडियो को शूट करने के बाद मे बी मैं इस व्लॉग को एंड कर दूँ, तो हम प्रिपरेशन करेंगे कि मैं इस वीडियो में, जब भी मैं कोई वीडियो शूट करने जाती हूँ तो उसके लिए मैं क्या प्रिपरेशन करती हूँ। सो चलते हैं व्लॉगिंग में कि प्रिपरेशन कैसी होती है, और फिर हम इस व्लॉग को एंड भी करेंगे आज। अब इस व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब इस तरीके की नॉर्मल्स वीडियो बनाती हूँ, कोई चैलेंज वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं कोई ट्यूटोरियल उससे पहले मैंने नहीं किया है, अगर उससे पहले मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, तो मैं अपने आप को किस तरीके से रेडी करती हूँ, मतलब एक गेट रेडी विद मी स्मॉल सा। लिपस्टिक मैंने डार्क शेड लगा लिया है, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स यहीं पर रखे हुए हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था वही मेकअप प्रोडक्ट से मैं अपना जो भी टचअप है थोड़ा सा वो कर लूँगी। सो यहाँ पर मैक का ही कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, इससे मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी। मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किया अपने अभी हैंड पे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रही है, आई डोंट नो क्यों, बस थोड़ा सा अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, जब मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं कर रही हूँ तो हैवी फाउंडेशन लगा के क्या फ़ायदा, मुझे करना तो उसको वॉश ही पड़ेगा। सो इससे हल्का सा सेट कर लिया है अपने फेस को, थोड़ा सा जहाँ भी डार्कनेस है, और इस टाइम पे मैं डार्क लिपस्टिक लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि यदि मुझ पर सूट होती है, मेरे पे कैसे शेड्स अच्छे लगते हैं, अगर कोई एडवाइस है तो प्लीज़ बताइएगा। लाइनर यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का, थोड़ा सा अच्छी आँखों के लिए, उसको ब्लेंड कर रही हूँ सिस ब्यूटी का, ये आईब्रो किट ले रही हूँ, इससे ये लाइटर डार्कर शेड मिक्स करके, और अगर आप देखना चाह रहे हो कि हाउ टू अप्लाई योर आईब्राउज, तो प्लीज़ ज़रूर से मेरी वीडियो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, अगेन वो सीरीज़ चैलेंजेस की वजह से मैं नहीं कर पाई कम्प्लीट, बट मैं धीरे धीरे चीज़ें सिखाऊंगी कि हाउ टू अप्लाई योर काजल, फाउंडेशन, ब्लेंड, सारी चीज़ें मैं उसमें
सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूँ। गाइस आपने देख लिया है कि कुछ इस तरीके से रेडी होती हूँ अपने वीडियो के लिए, अपना वीडियो शूट करती हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग कम है बिकॉज कि ये वाली जो लाइट है ना ऊपर, ये वाली जो लाइट है वो मैंने अभी ऑन नहीं कर रखी है क्योंकि मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया है। दोनों ही वीडियो इस व्लॉग के पहले लाइव हो चुके होंगे। मे बी इस व्लॉग को मैं अभी एडिट करूँगी और जब मुझे लगेगा कि मेरे पास कोई वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं है तब मैं इस व्लॉग को जो है अपलोड करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है, बहुत सारी वीडियोस जो है वो शेड्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस रिक्वेस्टेड है। आप देख सकते हो पीछे का हाल चाल, मेकअप की वीडियो नहीं शूट की है बट कुछ हल्का सा आई मेकअप किया था, लिपस्टिक यूज़ की है, HR के लिपस्टिक है और ये वाला नेल पेंट लगाया है मैंने ब्लाइंड फोल्ड होकर के, मैंने उसके ऊपर कोट कर लिया था बट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बाहर गया हुआ है। तो इसको सबको ठीक करूँगी मैं अभी, और कैसे ठीक करने वाली हूँ जैसे ड्राई होने के बाद में करती हूँ, लाइक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से निकलने लग जाएगा। इस तरीके से ही रिमूव करती हूँ, आई डोंट नो ऐसा क्यों करती हूँ बट मुझे इसी तरीके से नेल पेंट रिमूव करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने ये हूप इयर रिंग्स पहने थे। अब हम थोड़ी देर सोने वाले हैं बट इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मैं आपके संग शेयर करना चाह रही थी वीडियो शूट करने के बाद का क्या होता है, तो वो मैंने आपके संग शूट कर दिया है कि मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ और किस तरीके से मेरे रूम का मैस होता है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं इसको, रिमूव करके बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सी कितनी बार भी रूम को क्लीन कर लिया जाए रूम वैसा की वैसा ही होता है, आई डोंट नो क्यों बहुत ज़्यादा गंदा रहता है मेरा रूम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे गर्मियाँ इतनी हो रही हैं और गर्मियों की वजह से मैं ज़्यादा देर रूम में रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सोती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो शूट करने आती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, मेरा काम पसंद आया है कि इतना गंदा रखती हूँ मैं अपना रूम, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पसंद आया या नहीं और पास में एक बेल आइकन आएगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो इस तरीके के फ़नी व्लॉग्स पसंद आएंगे शायद आपको, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, और शायद मैं बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।